गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग, वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर थ्री। एंड चैप्टर थ्री नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस। टुडे वी आर स्टडी अबाउट डिस्टेंस। सो डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल इज नोन एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। फॉर एग्जाम्पल, वन पर्सन एंड ऑफ हेयर इज ऑब्जेक्ट ट्रेवल दिस डायरेक्शन एंड रिचेज पॉइंट बी। हेयर स्टार्टिंग टाइम टी वन इज 0 सेकेंड एंड which is point B and last time T2 is 10 second. Clear? So time interval in this points, so time interval T is equal to T2 minus T1. So T2 minus T1 is 10 minus 0 is equal to 10 second. Clear? So time interval of point A and B, in between A and B point, is 10 second and distance is AB. So distance is AB. Clear? And distance is a scalar quantity. Distance is a scalar quantity, not vector, a scalar quantity, and distance is always positive. A point और इसमें डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज इन एमकेएस सिस्टम इज मीटर। डिस्टेंस यूनिट इन एमकेएस सिस्टम इज मीटर एंड सीजीएस सिस्टम इज सेंटीमीटर। इन सीजीएस डिस्टेंस यूनिट इज सेंटीमीटर। क्लियर? अगेन वी कैन फाइंड द डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल इज 10 सेकेंड। कैसे मेजर करेंगे टाइम को? T2 माइनस T1 इज नोन एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्लियर? एंड दिस इज द स्केलर क्वांटिटी एंड यूनिट इज इन एमपीएस सिस्टम इज मीटर एंड सीजीएस सिस्टम इज सेंटीमीटर। एंड नॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट, इसको एक्सप्लेन कर दे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल इज नेक्स्ट एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पॉइंट ए, एन ऑब्जेक्ट हेयर लेट अस कंसीडर एंड मूव फ्रॉम एंड रिचेज पॉइंट बी एंड कवरिंग डिस्टेंस इज 4 मीटर। क्लियर? अगेन इट कवर्स 3 मीटर फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी। सो पॉइंट बी टू सी इज 3 मीटर एंड इट इज हेयर। क्लियर? ऑब्जेक्ट जो है कहां से स्टार्ट होता है बेटा? मूव करना पॉइंट ए से। पॉइंट ए से बी पे जाता है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 4 मीटर। बी टू सी 3 मीटर डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस covered by the object, covered by the object is 4 plus 3 is equal to 7 meter. 4 plus 3 is 7 meter. So, जो actual object, जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल जो पाथ जो है, जो लेंथ जो है वो ट्रेवल करता है, वही उसकी डिस्टेंस। एक्चुअल
जितना पाथ वो ट्रेवल करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, वही उसका जो कवर डिस्टेंस है वो कहलाता है। क्लियर है, कोई डाउट? तो डिस्टेंस जो है वो एक ऐसी लेंथ है जो ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअल में जो ट्रेवल करता है वही, एक्चुअल में 4 सेंटीमीटर 4 मीटर इसने ट्रेवल की और 3 मीटर ट्रेवल, सो टोटल इज 7 मीटर। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, देखो अलग अलग ये जो नोट्स है इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके पास कंबाइंड है। मैंने डिस्टेंस पे अलग से वीडियो बना दिया है और डिस्प्लेसमेंट आएगा उस पर अलग से, और फिर इन दोनों के कुछ कंबाइंड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सोल्व करेंगे। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर, जो वीडियो है उनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।